हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे लास्ट के वीडियोस में, ठीक है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जाके एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, और बोला है कि उसका पहले एडिशन निकालिए, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, स्क्वायर निकालिए, और फिर से अपोजिट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहला हमारे पास ए वेक्टर क्या गिवन है देख लेते हैं। 2i + 5j - 7k, 2i + 5j - 7k। यहाँ से बी वेक्टर आपको दिया हुआ है -3i + 4j - 3i + 4j + k। और यहाँ से हमको निकालना है पहला 3a + 2b, ठीक है। मतलब 3 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब स्केलर मल्टीपल है, ठीक ना। तो ये स्केलर मल्टीपल जब भी होता है तो सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ से 2i + 5j - 7k हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2b के जगह हो जाएगा जितना है -3i + 4j + k। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6i हो जाएगा। यहाँ से 3 × 5 15j हो जाएगा, -21k हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i हो जाएगा, और यहाँ से 8j हो जाएगा, और यहाँ से 2k हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से i और i में देखिए ये कट हो जाएगा, j और j में देखिए तो 15 और 8 23j हो जाएगा। यहाँ से 12k और k में देखिए तो 21 में 2 चला जाएगा, तो -19k हो जाएगा, ओके। ये फर्स्ट आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं ए डॉट बी निकालने का। अगर अगर हमें ए डॉट बी निकालना होगा तो हम पहले लिखते हैं ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। 2i + 5j - 7k, 2i + 5j - 7k डॉट, यहाँ से हो जाएगा -3i + 4j + k। अब हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, और i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, है ना। ये सारी कुछ बातें जानते हैं। तो जैसे हम लोग पहला एलिमेंट इसके साथ सब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको नॉन जीरो मिलेगा, अदरवाइज अगर i को j के साथ करेंगे तब भी 0, i को k के साथ करेंगे तब भी 0 मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर हम 2i - 3j करें तो यहाँ पे हो जाएगा -6i। यहाँ से 5j + 4j करेंगे तो यहाँ से i प्लस आई तो 1 हो गया ना, 2 × -3 6 हो गया। यहाँ से 5 × 4 20 हो गया, -7 + 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, -7। तो 20 और -13 ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 7, ठीक है। तो ए डॉट भी निकल जाएगा आपका -+7। और अभी हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे थर्ड जो था ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें पता है, क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में आई जे के लिखते हैं, और यहाँ से a1 के जो a वेक्टर के जो कोफिशियंट्स हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, तो वो सारे लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से b1 b2 b3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं i j k है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि a वेक्टर जो है हमारा 2i - 5j - 7k। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2, है ना, जो कोफिशियंट्स है उसको लिखेंगे 5 - 7, और इसी तरह से यहाँ पर -3 4 1, ठीक है। और नॉर्मली जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस कर देंगे। जो हमारा नॉर्मल डिटरमिनेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ से आई को रखेंगे, आई को लेंगे तो ये सारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो 5 + 28 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम जे को लेंगे तो यहाँ पर माइनस देंगे, -j, और ये दोनों क्लोज, यहाँ से हो जाएगा 2 - 21। और जब से हम के को लेंगे तो ये क्लोज, और हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 8 - +15। तो सब मिला के कितना हो गया 33i - +19j, यहाँ से हो जाएगा 23k। तो ए क्रॉस भी निकल गया। अब हम लोग एक
अब ए क्रॉस बी निकल गया ना, तो जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, ये हम लास्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है, बी स्क्वायर के बाद में बताते हैं, रुकिए, ये हमारा 5 नंबर था, ठीक है। तो बी क्रॉस ए जब निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं बी क्रॉस ए निकालने क्या होता है, ए क्रॉस बी का आगे एक माइनस आ जाता है, तो यहाँ से माइनस, और जो ए क्रॉस बी अभी निकाल चुके थे क्या था, 33 i प्लस 19 j प्लस यहाँ से हो गया 23 k। तो इस तरीके से एक ही स्टेप में हो जाएगा, या फिर आप अगर करना चाहे तो डिटर्मिनेंट से आई जे के लिख के, और यहाँ से -3, यहाँ से आपका हो जाएगा 41, यहाँ से 25 -7, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तब भी यही देने वाला है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में आपको बोला गया है, यहाँ देखिएगा, 4 में आपको बोला है बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, इस बी का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, -3 i प्लस 4 j प्लस करके, -3 i प्लस 4 j, 4 j प्लस का के। ओके, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे किसे, तो स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को दो बार लिख दें, ठीक है, -3 i प्लस 4 j प्लस का के, और मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस का 16 प्लस का 126। ओके, होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।